हाय एवरीवन, ओपीएससी मेंस रिजल्ट आगो को आसी जो बहुत ही जल्दी आसी जीवो। दैट मीन्स वी एक्सपेक्ट के एट द एंड ऑफ जुलाई और इन द वेरी फास्ट ऑफ अगस्त और लेट इट बी द 10 ऑफ अगस्त अगस्त जहाँ भी 15 अराउंड द मार्क वुड बी रिजल्ट और आई वुड से द रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द ओपीएससी एक्सपेक्टेड टू डू सो। कारण ओब्वियसली जब मैं कैलकुलेशन करवा कि अक्टोबर एंड भी जब नहीं अक्टोबर से प्रिलिम्स करें कहते जेहेतु से टेंटेटिव डेट्स देखते दैट मीन्स आटलिस्ट वन एंड हाफ मंथ्स रही कि मेन्स फाइनाल रिजल्ट कह पूरा फाइनाल रिजल्ट डिक्लेयर्ड एंड द प्रिलिम्स भितर आटलिस्ट वन एंड फाइव हाफ मंथ्स गैप रहा है। सो दैट तेणुक जब आम देखा अक्टोबर को जब लास्ट भी नौ लास्ट ऑफ अक्टोबर दैट मीन्स अगस्त 15 सुधा से चाहिए खत्म करने ताकि सेप्टेम्बर अक्टोबर पिला पढ़ी पारे किंबा आम कह कि हाँ ठीक अच्छे और सेप्टेम्बर भी जब से 10 सुधा सारूँगी ताले भी फिर भी तुमको 1 मंथ एंड 20 डेज अराउंड मिलजो। दैट मीन्स इंटरव्यू कंडक्ट करके पूरा प्रोसेस को रैप अप करिवार अच्छी सेप्टेम्बर 10 कि 15 भितर मैक्सिमम मुझेपरि ताले से जहाँ भी 10 डेज भितर तो ओब्वियसली जब मुझे स्पेकुलेट करी तो होप के दे विल डिक्लेयर कि अगस्त दैट मीन्स आम जब डिस्कस करवा कि अगस्त को जब आम नहीं जावा कि लेट से कि आम अगस्त को जब नहीं जावा तो अगस्त 10 भी नहीं जो कि डिक्लेयर करिवो एंड सेप्टेम्बर बाय द सेप्टेम्बर 10 ये भितर कौटी ना कौटी पूरा कम्प्लीट हो प्रोसेसटा जहाँ भी हो। नाउ ओपीएससी इंटरव्यू प्रोग्राम्स दैट मीन दिस ईयर जोड़ा कि रहा तुम 2022 रे इंटरव्यू प्रोग्राम्स आम नहीं आसू। सो वेज ऑफ इज देयर एज यूजुअल इन द लास्ट 3 इयर्स वी हैव बीन कंडक्टिंग द इंटरव्यू प्रोग्राम्स। हियर आई विल शो कि हाउ वी परफॉर्म्ड इन द लास्ट इयर आम कमी परफॉर्म कर इन द इंटरव्यू सेशंस। सो हियर इज द प्रूफ सम ऑफ द प्रूफ्स आई हैव टेकन दीज आर द कैंडिडेट हु गॉट सिलेक्टेड विद दर ओपीएससी मार्क एंड वेज ऑफ इंटरव्यू मार्क। तो ये मुझे देखेबी कि आमर जो इंटरव्यू प्रोग्राम्स था हाउ मतलब वाज आवर इंटरव्यू हाउ मच इट वाज सिमिलर टू द ओपीएससी। द फास्ट कथा है कि हाउ मच कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर आवर इंटरव्यू। आम इंटरव्यू रे लास्ट टाइम it was around 40 odd students was there, only we were having 40 students interviewed. So 40 students ama pakare interview nahi thile programs including our own student and outside to both ku misaiki out of which jodi am dekhiba ke 21 ru adhika pila paichanti exactly 21 hi mote data milichi but around 27 28 they have cleared but जहाँ भी डेटा टी कलेक्शन कर डिफिकल्टीज जो मुझे देखे पार नहीं सब तो 27 to 28 जो मैंने कि आउट ऑफ 40 आम कह सिलेक्शन रही टोटल इंटरव्यू जदि आम प्रोग्राम डिस्कस करवा नाउ सम ऑफ द एग्जांपल्स आम एटी देखिपर जो मैं मास्क तो देखिपर पद्मराज साहू ओपीएससी इंटरव्यू में पाई 160 वेस ऑफ ताको 159 नाउ दिस मार्क वेस ऑफ जो मार्क मिली एथेर आम तीन जनिया बोर्ड होता है 3 to 4 जनिया बोर्ड रही था इच कैंडिडेट को ना व्हाट वुड बी द फीचर ऑफ आवर इंटरव्यू। सुन आम इंटरव्यूर खासियत होची कि वी विल इंटरव्यू ए सिंगल कैंडिडेट आटलिस्ट 20 मिनट्स आटलिस्ट गोटे कैंडिडेट को आम 20 to 30 मिनट्स समटाइम्स 40 मिनट्स भी आम नहीं था तो मैक्सिमम वुड भी 40 मिनट्स इंटरव्यू सेसन रहा मिनिमम वुड भी 20 to 30 मिनट्स रो हिसाब से जो इंटरव्यू सेसन था पर कैंडिडेट ठीक अच्छे। द बिफोर इंटरव्यू we will have some classes like 5 to 7 classes each of the faculties or I would say the those mentor will be there for the interview session. They will take your interview that what classes ke how to propagate through this, how to handle the pressure, what are the diamonds and where you have to that means you have to come forward or you have to take to be very concerned to those part ki ye jo part ko hum discuss kariba ke ठीक अच्छे दिज आर द रीजन्स इफ यू नीड टू फोकस दैट एरिया एंड हाउ टू ड्रेस अप ऑल दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स जहाँ भी तुम अच्छी कि वे ऑफ टॉकिंग लैंग्वेज बैरियर वेदर समबडी हैज फाइल्ड कि हाँ मत ओडिया कहार अच्छे से चाहूँ भी इंग्लीश कहें उल्टा भी हो पे वाइस वर्सा भी हो पे ये जहाँ क्वेश्चन अच्छे आम इंटरव्यू क्लास नबू 1 वीक तो 1 वीक इंटरव्यू क्लासेस थ्रू भी गूगल मीट हो पे और ऑफलाइन एज वेल मोस्ट वेलकम। तो से आगे फास्ट सिखा जाए कि इंटरव्यू केमती फेस करा पड़े व्हाट आर द चैलेंजेस आसे हाउ टू डिफेंड योर सेल्फ ऑल दिस स्टफ ताको हम देखा देन तुम इंटरव्यू देव 2 इंटरव्यू अलाउ दैट मीन गोटे कैंडिडेट 2 थर दे पारे तो 2टा अलाउड अच्छे। सो दैट इज आवर फीचर्स तो ये आम फीचर्स रहा इंटरव्यू पूरा
देन आमे ओब्वियसली मु डिफरेंट डायमेनसन तुम को कहे आज यूजुआल कि केमी आई कंटाक्ट कौन कराया पड़ो कन्फिडेन्स कौन करा कौटी न आसिले कौन कराया पड़ो आसिले कौन कराया पड़ो हाउ टू बाइंड देम सेल्फ से कमी निज वार्ड को बाइंड करके रखा पड़ो चैलेंजिंग एरिया को कमी फेस कर पारे जदि न आसूसी कौन कराया पड़ो एंड वेदर ऑप्शनल को प्रिपेयर वेदर सिलेबस बहुत सारा पीड़े देखिए कैंडिडेट मुझे देखी कि सिलेबस को पूरा रिविजन ऑप्शनल को पूरा रिविजन इंटरव्यू पर तो जहाँ भी ये जो आज यूजुअल एवरग्रीन क्वेश्चन एड्रेस करेंगे जहाँ भी हो नाउ कम्स टू द बोर्ड तेतर नाउ दिस मार्क ये जो वेस ऑफ मार्क दिया जाए या भितर टू बी वेरी क्लियर एंड ऑनेस्ट ये जो मार्क दिया है ये एवरेज मार्क किसी एवरेज थाए लेट्स से देयर इज थ्री बोर्ड अच्छे भाव के थ्री बोर्ड्स ऑफ मेंबर अच्छे जो मैंने कि आपके इंटरव्यू नौ लेट्स से मुँह रही कि ललिसा रही किए बाहर गेस्ट आसुँचर साधारणतः लास्ट इयर में चीफ सेक्रेटरी को आनी फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी फॉर्मर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को आनी प्रोफेसर फ्रॉम द ओयूटी आम आनी सो फ्रॉम द डाइवर्स बैकग्राउंड रू आम आनी मतलब टीम यूज टू ओब्वियसली फ्रॉम द ओडिशा गवर्नमेंट ए वर्ष भी आम देखा सेक्रेटरी लेवल रू आनबू ओब्वियसली नो डाउट फॉर्मर प्रोफेसर्स को आनबू दोज हु आर हैविंग द वाइड आई वुड से द वाइड स्फीयर ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस पर्टिकुलर फील्ड दे हैव सीन मेनी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इन दैट लाइफ कैरियर और लेट्स से द टीचिंग्स आई वुड से व्हाट साइकल ऑफ एरा कह से हाँ तो मोस्ट एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल बी देयर एंड लली सर पुरुषोत्तम सर समटाइम्स ही विल ऑल्सो देयर कि वी आर अपार्ट फ्रॉम दैट ओब्वियसली द बोर्ड विल हैव डिफरेंट डायवर्सिटी बोर्ड रे मेंटेन करने चेस्टा करे आई विल ऑलवेज स्ट्रेस टू द हैव द डायवर्सिटी इन द बोर्ड्स फ्रॉम द डिफरेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द डिफरेंट स्पीयर फ्रॉम लेट्स अ सिविल सर्वेंट हो पारे फ्रॉम द पॉलिटिकल से पारे डिफरेंट स्पीयर में डायवर्सिटी मेंटेन करने ट्राई करी तो ये जो मार्क दिया जाए इंडिविजुअल मार्क अर्थात कौन लेट्स से आई वाज इन द बोर्ड इंटरव्यू बोर्ड में मुझे थी लास्ट टाइम ललिसार भी थे पुरुषोत्तम सार थे बाकी चीफ सेक्रेटरी थे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे ये समस्ते थे नाउ तांको भितर किए सपोज दे 130 कि 135 कि 140 एमती गोटे आवरेज मार्क बाहर कैंडिडेट नाउ आउ गोटे इंडिविजुअल मार्क हो पारे आउ गोटे इंडिविजुअल मार्क हो पारे द मोस्ट क्लोजेस्ट मार्क इज गिवन टू यू सो हियर इज द मोस्ट क्लोजेस्ट मार्क सो यू कैन सी नाउ सो 160 दैट मीन्स पद्मराज साहू देखिए तुम 160 ओपीसी इंटरव्यू में पाई वेस ऑफ 159 राकेश कुमार परिडा 135 130 ओपीएस 130 स्वयं विकास सामल 162 174 ओपीएस रे तांको मतलब वेस ऑफ देची एवरेज मार्क 174 एवरेज मार्क 174 देची तो सेमती स्वागतिका सामंत राय देख तुम तांको 132 बट वेस ऑफ आमे देचू ताकू 135 ये आमे देथिबा मार्क ये ओपीएससी पाइथिबा मार्क सेमती देवस्मिता नहीं जो 122 135 आम देचु देन महाप्रसाद दास 130 ओपीएससी वेस ऑफ देचु 135 स्वाधीन साहू ओपीएससी देचु 143 वेस ऑफ देचु 155 राकेश रंजन बिस्वाल 155 देचु ओपीएससी आम देचु 161 देन सेमती आम साइकियान पात्र तांकु देचु 150 ओपीएससी देचु आम देचु 147 तो ये दिव्य रंजन देख 125 129 जहाँ भी हो सो दिज मार्क्स देख देन आम देख घनश्याम 145 155 वेस ऑफ देखिए 155 ताकू मिली 145 तो 10 रो डिफरेंस सरस्वती जेना 132 137 5 रो डिफरेंस दीपाली सेठी 148 53 तो बेसी डिफरेंस भी नहीं प्रज्ञा परिडा 50 36 देन आस शर्मिष्ठा पंडा 71 69 हियर क्वेंसी शर्मिष्ठा देख 171 पाई ओपीएससी आम देचु के 169 आम देचु 169 सो क्लोज मार्क इज वेरी क्लोज मार्क शर्मिष्ठा बहुत बढ़िया परफॉर्म कर जानी भी इंटरव्यू द हाइएस्ट मार्क यू कैन सी द शर्मिष्ठा पंडा फ्रम द सायद ना मन पड़ो सायद वेटी रही थे विषय 169 आम देचु देन सेमती देखे बटकृष्ण मल्लिक ताकि 127 मिली एंड 149 तो ये देखा जीवो देवस्मिता 148 150 सो यू कैन सी हाउ द डिफरेंस आर वेरी क्लोज देन आम देखे रामेश्वरी दैट इज हिका 121 130 सो यू कैन सी द मेजोरिटी ऑफ द मार्क्स 128 130 सी द डिफरेंस नाउ डिफरेंस यदि आम बाहर करवा ओनली डिफरेंस इज वन द डिफरेंस इज वन वन प्लस ये देखो वन प्लस हियर इज दैट इज फाइव प्लस मतलब पाँच मार्क डिफरेंस प्लस तो ये आम देखा नेगेटिक्रे आम जी देखा दैट इज द व्हाट 14 हो गले एपट आर्चर 12
तो देख कौटी पॉजिटिव दैट मीन्स वेरिएशन जो मुझे कहबी वेरिएशन बेसी ना ये देख के माइनस थ्री कर मतलब वेस अफ 135 देती ओपीएससी ताको देती 1 तो थ्री डिफरेंस डिफरेंस देख तीन एक एक तो डिफरेंस इज वेरी लेस ना ये देखो आपको से प्रूफ करने देखा कि हाउ दिस इंटरव्यू ये आपको देखा कि हाउ क्लोजली आवर मार्क ना तुम कह सर देख अथेन्टिफिकेसन जहाँ दरकार आसिकी देख पार जो इंटरव्यू कॉपी फीडबैक एम भी अच्छी ऑफिस रे जदि कहार चेक कर आसिक देख पार अदरवाइज यू कैन आस्क देम एनी ऑफ देम क्या पचार हाउ वाज द ओपीएससी मतलब वेज ऑफ इंटरव्यू केमती थी सो डिफरेंस यू कैन सी वेरी लेस ये देख सेम नो डिफरेंस जीरो डिफरेंस 126 126 सो हियर इज यू कैन सी जीरो डिफरेंस हियर अच्छा ये देख डिफरेंस के 3 प्लस हियर यू कैन सी 4 डिफरेंस के 4 डिफरेंस के 3 हियर यू कैन सी डिफरेंस 10 तो हाइएस्ट मतलब मैक्सिमम 10 12 डिफरेंस हमको देख तो आम जी मार्क दौचे इधर तुम 10 अधिक पाइब ना 10 कम पाइब तो ऑन एन एवरेज बट मेजोरीटी पिला प्लस पाई कौन पे हियर यू कैन सी तो जीरो हियर यू कैन सी अच्छा ये आम देखा जहाँ भी तो ये आम देखा कमी ये भी कमी 10 कमी तो डिफरेंस रे कौन हुए ना देख मेजोरीटी आम एक्सपेक्ट करूँ प्लस आसो अधिक आणु आम इंटरव्यू टू अधिक आणु बट कौटी कम भी थपे कहीं कारण से डिपेंड कैर से दिन तार आटीट्यूड कौन अच्छे से दिन से माइट भी फ्राइटेड हो जाए टी सी और ही गट आप्रिहेडेड मतलब ओके आप्रिहेनसन आसी जाइए डर आसी जाइए कन्फिडेन्स लुज हो जाइए भोक किसी भी थपे साइकोलोजिकली किसी प्रेसर थपे तो से ही दिन माइट भी जो बोर्ड गोटे पिला मो पाखे पूर्व इंटरव्यू नहीं था पुणी थे नौ तो कन्फिडेन्स टी अधिक अच्छी मोटू अधिक मार्क पाला नेक्स्ट ओपीएससी कमी जापे बट बेसिक वेरिएशन आई विल अलवेज ट्राए कि माइ बोर्ड एंड द वेज हफ जी मार्क दब 10 रु अधिक डिफरेन्स एमती न हो सो दैट वुड बी वेरी प्रिसाइज मार्किंग करने आम चेस्टा करोटा मुझे तुमको ये देखा हियर यू कैन सी द डिफरेंस अगेन 37 सो 5 इज द डिफरेंस दैट मीन द 5 लेस आम कह तो माइनस कहींपर द डिफरेंस यू कैन सी हियर डिफरेंस सर्मिष्टा कथ नहीं जाओ सब भल आनी किए सर्मिष्टा डिफरेन्स यू कैन सी ओनली 2 प्लस 2 डिफरेन्स सो हियर यू कैन दे 2 माइनस डिफरेन्स मुझे ना प्लस माइनस हियर यू कैन सी 28 सो दैट मीन आम कह 2 माइनस एटी माइनस के 2 हियर यू कुड बी 8 माइनस तो 10 डिफरेंस बहुत कम जनकर आसी मैंने 10 रु अधिक डिफरेंस बहुत ही कम जनकर आसी सो दिस इज हाउ के वी परफॉर्म्ड इन द इंटरव्यू लास्ट सेशन रे परफॉर्म करूचे एंड यही वर्ष मतलब वी आर ऑल्सो गोइंग टू कंडक्ट द इंटरव्यू सेशन बहुत ही जल्दी हमें स्टार्ट करने चाहे ना जो मैंने इंटरव्यू पाई सेशन पाई मतलब आग्रह अच्छा और यू आर इंटरेस्टेड फॉर द इंटरव्यू सेशन इन द वे फर्स्ट वेज अफ सरी से जो आम डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे जो कंटाक्ट नंबर अच्छी से कंटाक्ट नंबर को फोन करेंगे देन यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ रजिस्टर कर दियो देन वी विल मीट यू इन द इंटरव्यू सेशन एंड रजिस्टर कलापर इधर तुम आसिक डायरेक्ट ऑफिस रे जदि समबडी इज लेट्स से लिविंग रिजाइडिंग हियर इन क्लोज टू द भुवनेश्वर इन साइड द सिटी और इन कटक आउटस्कर्ट्स दिस रीजन इफ यू कैन मूव टू द center you can have the register here you can do the register yourself otherwise by phone you can also do ask the number is given in the description box so like number neki call kari paribe either you can do also the whatsapp you kari paribe now this is how I have seen and I have given you the evidences how did you perform last time and hope get the consistency level in the last 3 years we have been maintaining though we are having a very less amount of students for the interview sessions but we perform pretty well because of our scientific approach of evaluating the candidate now ways of recon hai that scientific approach to candidate evaluate is more properly matlab design kara jai chi and also handle properly so wish you all the best for the result the mains result and waiting for the registration thank you everyone have a good day to all